हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि किस तरीके से ये 10 मिनट्स का वीडियो आपके लिए 20 मार्क्स इंक्रीज कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल्ड आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस। इंतजार की घड़ियां समाप्त और अब आपको फाइनल फाइटिंग में आना है, जिसे कई तरीके से नामों से जाना जाता है, लेकिन आपको सिंपल रखना है और जो आपने अब तक किया उसके ऊपर अपने आप को विश्वास रखिए। अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको खड़े रहने की ज़रूरत है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर इजी होगा तो सबके लिए इजी होना है, और अगर वो टफ़ होगा तो सबके लिए टफ होगा। तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ही केवल बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, एनी हाउ आपको अपने कम्फर्ट जोन से निकल के रिस्क लेना ही पड़ेगा, ये तय है। तो जो चीज़ तय है उसके लिए आप पहले से और प्रिपरेशन करके और करने के मोड से जाइए। ये वॉर की सिचुएशन है, तो वॉर की सिचुएशन में जब भी वॉरियर जाते हैं तो क्या होते हैं, अब वो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, जब उनको ये मोह हो गया कि सारी चीजें अपनी हैं, और उसके बाद उन्होंने गीता के बारे में उन्हें ज्ञान दिया, जब उन्हें ज्ञान आता है तो ज्ञान का मतलब होता है कि रियलिस्टिक समझ, उसे हम ज्ञान बोलते हैं, कि आज के लिए क्या जरूरी है, क्या स्टेप हम ले, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ज्ञान। और एक कर्मवीर के लिए, काम करने वाले के लिए, ज्ञान का मतलब है कि वो अपने काम में पूरे मनोयोग से, फुली डेडिकेशन के साथ अपने काम को कर पाए। तो अर्जुन फिर आते हैं रणभूमि में, और उसके बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जो ये सीन है, हम एनी हाउ अब हम फाइट करेंगे ही करेंगे, और ये भी कहते हैं कि न दैन्यम न पलायनम, ना ही हम छोड़ेंगे और ना ही हम भागेंगे। तो ये सीन आपके लिए क्रिएट है, इसी से इंस्पायर्ड रहिए, इसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखिए। मे भी ऐसा होगा कि फर्स्ट पेपर में आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा नहीं गया है, तो सेकंड पेपर स्किप कर देते हैं, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। बेसिक चीज़ों को बहुत क्लियर रखिएगा, आप देने गए हैं तो आपको पेपर देना है, चाहे वो लाइट कटे, चाहे कोई र्यूमर उठे, कोई कुछ कहे, बहुत गर्मी फील हो, आपको ये अंदर से एंजाइटी फील हो, निगेटिविटी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बगल वाला कह रहा है कि भाई मैंने 150 मार्क्स के कर लिए, ठीक है, 200 में से, तो अराउंड 70-80 के रेंज का है। सबकी सुन लीजिए, करिए क्या, अपने काम की चीज़ों को आपको फोकस रखना है, अपने आप को डेडिकेशन देना है। अब मैं इतने बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ, देखिए पिछले साल का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है वो आ गया है, और यूपीएससी हर साल जब रिजल्ट आता है तो अब वो जो मार्क्स आते हैं वो शो होते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स के लिए जो मार्क्स जनरल की हैं वो 88.22 मार्क्स आपको चाहिए। मींस अगर आपने 45 क्वेश्चन कर लिए 100 में से, तो आपकी चीजें आप इन हो जाएंगे। ये सेकंड लोएस्ट कट ऑफ है, अभी जो लास्ट 10 ईयर का जो लास्ट 10 ईयर्स में हम देखें तो सेकंड लोएस्ट कट ऑफ हम चल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में ये चीजें और नीचे चली जाती हैं, 82.83, ओबीसी 87.54, एससी 74, एसटी, और उसके बाद फिजिकल जो हैंडीकैप वाला जो ऑप्शन है वो उस तरीके से चलती रहती है। मेंस में 748 और फाइनल रिजल्ट के लिए 960 की नीड है। अभी हमें देखिए समय इस पे बात करने का है, हम केवल यही बात करेंगे और हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि किस तरीके से ये 10 मिनट्स का वीडियो आपके लिए 20 मार्क्स इंक्रीज कर देगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो 20 मार्क्स हो जाएगी। देखिए सेकेंड पेपर तो ऑलरेडी 33% की ही नीड है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ, उसको भी अटेंटिव लेना है, छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि बहुत आप इजी गोइंग लेके चले जाएं। 20 क्वेश्चंस आप आराम से बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के कर लेंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा, सीसेट के पेपर में एक चीज ख्याल रखिएगा, भले ही आपको तीनों सेक्शन से बहुत अच्छी कमांड हो, या आपको लग रहा हो कि आप कम्प्रिहेंशन जो है बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करते हैं, उसके आंसर से आप निकाल लेते हैं, कभी ऐसी गलती मत करिएगा। सबसे जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होगा, पहले उस क्वेश्चन को लगाइएगा, ओके, उसके 2-3 क्वेश्चन लगाइएगा, कुछ देर बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल रिस्टोर हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर आगे पिच करिएगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास टाइम बच भी जाए, अपने आप को कंट्रोल रखना है। ये एग्ज़ाम केवल इंफॉर्मेशन का ही एग्ज़ाम नहीं होता, ये डिसिप्लिन भी देखता है, आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी देखता है, आपकी समझदारी भी देखता है ये एग्जाम।
तो अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, और ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक आपको पूरे गेम से बाहर कर देगी। तो वो कोई गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 3 राउंड में चीजों को लेके जाना है। पहला जो राउंड होगा वो आपका 30 से 35 का, और सेकेंड राउंड जो होगा वो अराउंड 20 क्वेश्चन का। ये बात करते हैं, ये जो स्ट्रेटजी है लास्ट 10 ईयर से चल रही है, लेकिन 2020 के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। वो क्या चेंजेस हैं उसको भी हम भी डिस्कशन मिलाते हैं। देखिए, पहली जो चीज़ है कि ये 3 राउंड की स्ट्रेटजी है लास्ट 2 ईयर से ये देखने को मिल रहा है कि अब वो काम नहीं कर पा रही है। रीजन, क्वेश्चन इतने लेंदी हैं कि आप पढ़ते ही रह जाएंगे और टाइम आपका निकल जाएगा, आप 100 क्वेश्चन को गो थ्रू हो ही नहीं पाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब हमें करना क्या है कि जो हमें 30-35 वाला जो ऑप्शन है ये साथ साथ में करना है। फर्स्ट राउंड हम जब पढ़ेंगे तो हमें ट्राई करें कि अराउंड 30-35 मिनिमम आप 30 में आप खड़े हो जाएंगे। ये बहुत आसान है। और अगर 10 लाख लोग में से 5 लाख अपियर हो रहे हैं तो ये इस सिचुएशंस में आपके पास 3 लाख लोग होंगे जो इस लेवल पे खड़े होते हैं, जिनको 30 क्वेश्चन आ रहा हो। इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, यहाँ आपको रखना है। लेकिन इसमें आपको गलती क्या, सिली मिस्टेक कहीं नहीं करना। हमेशा अटेंटिव बने रहिए, फोकस्ड होके पढ़िए और अपने नॉलेज का यूज करते रहिए। ये चीज जरूरी है पहले राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में हम बात करते हैं। सेकेंड राउंड में अगर आप 20 क्वेश्चन कर ले गए तो 100% आपका आप इन हो जाएंगे आज के सीन के हिसाब से। क्योंकि आप, मैंने आपको बताया 45 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन, आपका प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है। अब जब आप प्रीलिम्स में इन करने के लिए यहाँ आपको और 15, चलिए हमने 20 क्वेश्चन मान लीजिए, एक सेफ जोन हो जाएगा 20 क्वेश्चन, मीन्स 50 क्वेश्चन आपको लेके चलना है। कोई कहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि बहुत ज़्यादा, आज तक यूपीएससी के हिस्ट्री में हुआ नहीं तो कभी होगा नहीं। पेपर इस तरीके का आता ही है कि आदमी गलती करता है और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो फिर बाद में डिक्रीज हो जाती है। 20 क्वेश्चन में ही आपको पूरा फोकस रखना है और यहीं से आपका प्रीलिम्स होगा। आप थर्ड राउंड में नहीं जाएंगे। थर्ड राउंड क्या होता है कि जब आपने यहाँ क्वेश्चन किए, इसके बाद भी आपके पास समय बच रहा है और आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक जाके वाइल्ड गेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है, पूरी तरीके से अब गेस करके ही मारना, उसमें नॉलेज का कहीं यूज नहीं करना। इस जोन में हमें जाना ही नहीं है, प्लीज इस गलती को नहीं आप दोहराएंगे, ये कन्फर्म रखना है आपको। अब देखते हैं कि इन दोनों स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसमें मैंने इलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में बता रखा है। यही वो एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं जो आपको 20 मार्क्स का एज दे देंगी। अगर आप 30 पा रहे हैं तो 50 में चले जाएंगे, और अगर आप 40 पा रहे हैं तो आप 60 में। ये दोनों आपके लिए सेफेस्ट, ये सेफ है और ये सेफेस्ट जोन है। एनी हाउ आपका होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। तो इसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। पहली चीज देखिए, पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, और ये कहीं देखिए कि जब आप प्रॉपरली मेनी टाइम्स आप रीड करेंगे स्टेटमेंट्स, तो आपको ये दिखेगा कि पहले स्टेटमेंट से सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, वो कंट्राडिक्ट हो रही है बातें। और जब ऐसे कंट्राडिक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें किस चीज की हमें जरूरत है, नॉलेज की, अटेंटिव रीडिंग की और फोकस होके पढ़ने की। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड जो ट्रिक है, डेटा, स्टेट और स्टैटिक फैक्ट और जो फैक्ट आएंगे ऑलमोस्ट रॉन्ग होते हैं। जानबूझ के यूपीएससी सी बातें करती है ताकि आप उसके ऊपर कहीं आप अपने अपने बिलीफ को छोड़ के उसके ऊपर बिलीव करें, और जो ऐसी गलती करता है उसके लिए ये चीजें टफ होंगी। यहां से आपको इलिमिनेट कर लेना, ये भी आपके पास एक तरीका है, यहां से चीजें इलिमिनेट हो जाएंगी। तीसरा, जहां ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड या ग्रेटली इम्पैक्टेड इस तरीके के वर्ड जब यूज होंगे तो ये जो चीजें हैं ये भी आपकी वो जो ऑप्शंस होंगे वो रॉन्ग में जाते हैं और वो ये यहाँ से इलिमिनेट हो जाएंगे। कंटेम्परेरी वर्ड अगर यूज किया जाएगा तो ऑलमोस्ट वो जो ऑप्शंस होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, वो रॉन्ग होते हैं। फिफ्थ के बारे में बात करें तो स्टीडली इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में बात करें तो वो क्या कह रहा है कि ये भी एक तरीके से फैक्ट एंड फिगर पे बात जाएगी और यहाँ भी आपको बैक होके रखना है, यहाँ भी चीजों से बच के रहना। वर्ड्स जैसे आपके मोर देन, लेस देन अगर आएंगे तो ये क्या फैक्ट एंड फिगर पे नहीं बात कर रहा है, थॉट प्रोसेस पे बात कर रहा है। आपको एक कम्प्रिहेंसिव या आपको ये कह लीजिए कि ओवरऑल बातें कर रहा है, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी जो होती है वो राइट की तरफ जाती है, यहाँ आप इसको राइट में कंसिडर करेंगे।
कभी भी यूपीएससी एक्सट्रीम वर्ड जो बहुत कॉमन है, हर आदमी बताता है कि ऑल कैन नॉट एनी, ठीक है, सभी और इनमें से कोई नहीं, इस तरीके के जो ऑप्शन आते हैं ये भी अपने आप में गलत होते हैं। ये भी इलिमिनेशन मेथड से इसको इलिमिनेट कर लेते हैं। एट्स रूल क्या कहता है कि साइंस के अंदर अगर कैनॉट का ऑप्शन आएगा तो वो ऑप्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। अब बात करते हैं कि जब ये गलत हो जाता है तो मे बी जो वर्ड होगा वो ऑटोमेटिक सही होगा। इट मीन्स कभी कोई बात अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कही जा रही है कि जैसे वो बोले कि अभी जो लाइट ट्रेवल करती है उसके लिए हमें मीडियम की नीड होती है, बट इन द फ्यूचर हमें वायरलेस का भी ऑप्शन यूज कर लेंगे और वायरलेस मोड पर भी लाइट जा सकती है। अब आज से 5 साल पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब तो वायरलेस चार्जर का कॉन्सेप्ट है आपके पास, बिल्कुल। या वो बोले कि रोबोटिक्स का जो यूज है अभी माइक्रो लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं, या ब्रेन के लिए सर्जरी के लिए नहीं कर पा रहे, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, टेक्नोलॉजी तो है ही इसीलिए, और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर तो है ही। इस तरीके की जब भी बातें आएंगी तो क्या होंगी, वो राइट के ऑप्शन में चली जाएंगी। और अगर मान लीजिए आपके ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आता है तो उसके अंदर आपको क्या एलिमिनेट करना है, जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, जो नेगेटिव ऑप्शंस आएंगे उसको आपको यहां से एलिमिनेट कर लेना है, वो अपने आप यहां रॉन्ग हो जाएगा। ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करें तो अगर इंटायर वर्ड अगर आपसे कह रहा है तो वो अपने आप में गलत होता है। जैसे इंटायर कोस्टल एरिया कह दे, या इंटायर प्लेन कह दे, इंटायर हिली एरिया कह दे, या इंटायर मानसून कह दे, कुछ भी इस तरीके का वर्ड अगर वो यूज करे तो वो वहां से क्या, या इंटायर लेवल की कुछ भी वो चीजें यूज कर सकता है, वो गलत ही होगा। वहां से आपको यहाँ सचेत रहना है, उसको एलिमिनेट कर लेना है। हाँ, इजी वर्ड अगर वो कहे फ्यू के बारे में जाए, सम के बारे में बात करे, तो वहां ये पॉसिबिलिटी जो होगी वो होंगी, वो सही होंगी। मैच ऑफ द फॉलोइंग के ऑप्शन में जो ऑप्शन आएगा, देखिए ये थोड़ा सा हाइड हो रहा है, इसमें सारे नहीं, 1 और 3 का जो ऑप्शन आता है, इट मीन्स मैचिंग के ऑप्शंस में जो सिंगल मैचिंग का दिखाएगा वही सही होगा, मल्टीपल जो मैचिंग होगी वो गलत होगी। ठीक है, ये आप कर लीजिए खुद से, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख के जाइएगा, आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें अप्लाई मोड में दिखेंगी कि बिल्कुल इससे हो रहा है और आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर हम कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उसमें ये भी करता है कि ऑप्शन ए और बी के साथ वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर देता है, ए की इंफॉर्मेशन बी में और बी की इंफॉर्मेशन ए में, मतलब ये बात कंट्राडिक्ट हो जाएगी और यहाँ से ये गलती होती है। ये एक बहुत आसान सा तरीका होता है जब बड़े लेवल पे क्वेश्चंस, जब बड़े लेवल पे ऑप्शंस को दिया जाता है, तो वहां थोड़ा सा अगर रुक के आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद चीजें दिखेंगी। इसके बाद अगर कोई वो उसमें लोकेशन मेंशन करे, टाइम मेंशन करे, कंट्री या नेम या मिनिस्ट्री मेंशन करे, तो ऑलमोस्ट वो चीजें क्या होती है, वो गलत होती है। वर्ड इंटरप्रिटेशंस में अगर मान लीजिए कोई वर्ड पूछ रहा है, जैसे पंचायतन पूछा था, 13-14 के प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन पूछा था, तो पंचायतन का अब दुनिया में अगर आप नॉर्मली अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप पॉलिटी के हिसाब से इसको देखेंगे कि भाई पॉलिटी के हिसाब से बात, जबकि ये बात इसका जो रिलेशन है पॉलिटी से नहीं है, वो एंसेंट इंडिया से रिलेशन है। और एक तो वहां क्या होगा कि स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शन थे वो गलत आते हैं। तो ये जब भी अगर वर्ड इंटरप्रिटेशन में आप जाइएगा तो ए और बी जो स्टार्टिंग के ऑप्शन होंगे ये ऑलमोस्ट गलत होते हैं, सी और डी में आपको ऑप्शन चूज करने की जरूरत होती है, तो ये ए बी यहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट का अगर ऑप्शन कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट के बारे में कहेगा तो भी वो सी और डी के बारे में, ए और बी ऑलमोस्ट क्या होते हैं वो करेक्ट होते हैं, और इसीलिए पढ़ने के लिए दिया जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो, बच्चे के अंदर ये समझदारी है कि नहीं कि जो बात कही जा रही है उससे वो कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हो गया, तो इसीलिए जो ये ऑप्शंस आएंगे ये ऊपर आ जाते हैं, इसमें भी आपको सी डी की तरफ जाने की जरूरत होगी। जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके बेसिस पे जो बातें आती हैं वो भी ऑलमोस्ट निगेटिव होती हैं। 15 जो रूल है वो ये कहता है कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और विजयनगर, तो देखिए जैनिज्म बुद्धिज्म लास्ट 10 ईयर से आप देखें तो हर साल ये एक बार जैनिज्म इस साल पूछेगा तो अगले साल बुद्धिज्म पूछेगा, कंटिन्यू ट्रेंड में है, ठीक है, तो आपको एक पढ़ के जाना है, ये देख के जाना है। और दूसरा अगर मिडवेल में बात कर रहा है और ऑलमोस्ट वो साउथ इंडिया के बारे में बात कर रहा है तो आप ये देख के कर सकते हैं कि अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो विजयनगर का अगर आपको ऑप्शन में दिखा तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ऑलमोस्ट यूपीएससी ने इस ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है,
तो यहाँ से आपकी चीजें एक क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, आपको दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो एक बहुत बेहतर तरीका ये है कि आप दोनों लैंग्वेजेस का यूज कीजिए, क्योंकि बायलिंगुअल पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश में, तो साइड में हिंदी लिखी होती है और एक साइड में इंग्लिश लिखी होती है। अगर आप हिंदी में कंफर्ट हैं तो इंग्लिश में देखिए, अगर इंग्लिश में आप कंफर्ट हैं तो भी हिंदी में उसे पढ़िए, तो फिर आपको जो उसकी क्लियरिटी है वो यहाँ से मिल जाएगी। कभी रिकमेंडेशंस के ऊपर अगर बात पूछी जाए, कमिटीज के बारे में कही जाए, कमीशंस के बारे में कही जाए, तो वो क्या होगा, वो भी जो है वो उसको एलिमिनेट कर देना है, वो भी गलत होगा। और नो और कैनॉट के जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑलरेडी वो निगेटिव टर्मोलॉजीज में जाते हैं, वो नहीं होते। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट आपका रूल है, कभी भी उतना ही समझिए जितना आपसे पूछा जा रहा हो। अपनी विद्वता को अपने पास नहीं रखना, अपनी विद्वता को केवल उतना यूज करना है जिससे हमें पेपर निकल जाए। वो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, खास तौर से पॉलिटी और इकोनॉमी, थोड़ा बहुत जो इस लेवल पे बच्चे के अंदर अच्छी उसकी पकड़ हो जाती है, तो हर चीज में वो डायमेंशंस लेके आता है। सपोज दैट वो इन्फ्लेशन के बारे में पूछ ले, तो इन्फ्लेशन के बेसिक कॉजेस क्या होंगे उस पर क्वेश्चन पूछेगा, और आप जितने डायमेंशन पढ़े सब लगा देंगे, आप हो जाएंगे कंफ्यूज और आप करेंगे गलती। सिटीजनशिप के बारे में पूछ ले पॉलिटी में, अब पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप से पूछ रहा है, 5-11 आर्टिकल के बीच का पार्ट वो पूछ रहा है, और आपने क्या लगा दिया, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है, सिटीजन का कॉन्सेप्ट है, आपने वो लगा दिया। फिर आपने ये देखा कि रिफ्यूजी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी इसमें लगा दिया। CNRC की बातें चल रही, अच्छा अच्छा ये भी इसमें हो सकता है। अब फिर आपने क्या किया, गड़मड़ कर दिया अपने पूरी चीजों को उठा के, और फिर आप गलती कर जाएंगे। उतना ही घुसिए, उतना ही चलिए जितनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। अपने आप को कंट्रोल रखिए, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद मेंस के बैचेस हमारे कंटिन्यू है, मेंस की क्लासेस भी चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।